अपने बच्चों को ऐसे लोगों से करीब कर दो कि कम से कम हमारी कौम के जवान, हमारी कौम के बूढ़े, हमारी कौम के बच्चे और हमारी कौम की बेटियां कम से कम अपने ईमान का तहफ्फुज़ कर सकें। वरना ये वो दौर है, सुबह में बंदा मोमिन होगा, रात होते होते काफिर बन जाएगा। रात में मोमिन होगा, सुबह होते होते बंदा कुफ्र कर बैठेगा। अल्लाह से डरिए, मौत को याद रखिए। और मखदूम सिमनानी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान के इन चंद गोशे मैंने जो आपके सामने पेश किए और मौत के हवाले से जो मैंने आपके सामने बात की है, इसको सीने पर बांध कर जाइए और आज से इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। इसलिए कि हमारे यहाँ एक गुजराती माँ कहवत है कि जाग्या त्याथी सवार। अब सबसे मेरी गुजारिश है, अब बहुत दिन हमने गुजार लिए, अब ये 1443 जो शुरू हुई ना, इसका कुछ आगाज़ अच्छा कीजिए। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई इनकलाब आएगा, आपको देखते देखते आपके बच्चों में भी वो चीज़ आएगी। हाँ, इसकी बड़ी ज़रूरत है। अमल के मैदान में आइए। जो बगैर दाढ़ी वाले हैं वो आज से ये तय कर लें, मुहर्रम शरीफ का पहला महीना है, दाढ़ियाँ रख लें, बेनमाजी वो नमाज़ पढ़ने लगें, जितनी भी सुन्नतें आपसे अदा हो सकें आप अदा कीजिए। इसलिए कि हुजूर के करीब पहुँचने के लिए और अल्लाह से करीब होने के लिए सबसे पहले अहकाम खुदावंदी यानी फ़राइज़ की पाबंदी करें और हुजूर का कुर्ब पाने के लिए हुजूर की सुन्नतों को ज़िंदा करें। अगर हमने और आपने ये दोनों मिशन हाथ में रख लिए, हो सकता है किसी एक का अमल करना काम आ जाए और अल्लाह अपनी रहमत का ये फ़ैसला फरमा दे कि जाओ मैंने तुम सबको माफ़ फरमा दिया। ये फैसले वहाँ उसकी रहमत के हो सकते हैं।